झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में पैरामेडिकल छात्रों व एमबीबीएस इंटर्न छात्रों के बीच चली आ रही तनातनी ने आज बड़ा रूप ले लिया। कॉलेज प्राचार्य चैम्बर के बाहर छात्रों में जमकर मारपीट हुई। गुस्साए छात्रों ने कॉलेज में तोड़फोड़ कर जमकर हंगामा किया। उपद्रवी छात्रों को काबू में करने के लिए पुलिस को बल प्रयोग कर खदेड़ना पड़ा। बताया गया कि पैरामेडिकल छात्रों व मेडिकल छात्रों में पहले से टकराव चल रहा है। आज दोनों पक्षों में प्राचार्य ने वार्ता के लिए बुलाया था। वार्ता के बाद पैरामेडिकल छात्र वापस लौट रहे थे, तभी दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और मारपीट हो गई। इसकी शिकायत करने पैरामेडिकल छात्र छात्राएं वापस मेडिकल कॉलेज आए और प्राचार्य से शिकायत करने जा रहे थे, तभी मेडिकल छात्रों ने उन्हें रोक लिया और मारपीट कर दी, जिससे हंगामा हो गया। बताया गया कि दोनों गुटों के बीच विवाद की वजह पैरामेडिकल छात्रा के साथ मेडिकल कॉलेज छात्र के द्वारा की गई छेड़खानी बताई गई है। लड़ाई के चक्कर में तो आप लोग कहाँ थे उस समय? तोड़फोड़ हुई है, अंदर थे हम लोग। हमारी लड़कियों को तो दोबारा बताने आए थे प्रिंसिपल को कि झगड़ा हो गया। हाँ, दोबारा बताने आए थे उनको। फिर उन्होंने हम यहाँ पे हम लोग का हमला किया और यहाँ पे तोड़फोड़ मचाया हम लोगों के साथ। कितने लोग घायल है आप लोग? कुछ लोग हैं। अब सर पुलिस भी हमारे बच्चों को लेके गई है। कितने लोग? हमारे जूनियर्स और सीनियर्स को लेके गई है। कितने लोग? 50 लोगों को लेके गई। एक एक बताइए, एक एक। यहां से एक मैटर था, आज सीनियर सर ने बुलाया था बच्चों को ताकि सारा मैटर सॉर्ट आउट कर दे और बैठ के बताया कि यू कमिटीज बनाइए, बाद में देख लिया जाएगा। मामला क्या है, किस मामले में बुलाया था सर? लड़ाई इंटर्न का और पैरामेडिकल के बीएससी नर्सिंग छात्र का झगड़ा हुआ है। उनका पर्सनल मैटर था। वन वार्ड में इन लोगों को दो दिन पहले मारा गया है। एमबीबीएस के इंटर्न ने मारा था, उसके साथियों ने मारा था। कितनों को मारा था? एक लड़की को मारा था, उनके पूरे ग्रुप ने मारा था। किस बात पे मारा? उनका पर्सनल मैटर था। पर फिर वो लड़ाई ऐसी बढ़ गई है कि वो लड़ाई आगे बढ़ गई एमबीबीएस और नर्सिंग छात्रों के बीच में। लड़ाई पैरामेडिकल की यस सर। आज भी दो बार आज ये हुआ है कि आज हमारे लोगों ने क्या बुलाया था सर ने कि ये मैटर सॉर्ट आउट हो जाएगा, इसलिए बस हमारे बच्चे यहाँ पे आए थे, हमारे कुछ जूनियर्स, ताकि यहाँ पे मैटर सॉर्ट आउट हो जाए। सर ने बोला कि सॉर्ट आउट हो गया था, मामले में कार्रवाई की जाएगी, सर ने ये बोला। फिर हमारे बच्चे जब यहाँ से लौट रहे थे जब हम लोग सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया था, जब यहाँ से लौट रहे थे तो हम लोग यहाँ पर आए, तभी तो उन लोगों ने हम लोगों को घेर के रखा हुआ था। कुम्हार के कुआं में जो सामने गेट है, वहाँ पर जाकर के पूरा भीड़ लगाया था। चार नंबर गेट हो गया। धनवंतरी है, वहाँ पे सारे ग्रुप बना के खड़े हुए। पीछे से हम लोग को हमला किया गया। लड़की कॉलेज में हमला किया है वहाँ पे? नहीं, मेडिकल में। धनवंतरी वाले गेट पे 3 नंबर वहाँ पे। अच्छा, कितने पूरे ग्रुप ने हमला कर दिया? जितना ग्रुप था कितने लड़के होंगे? कितने लड़के होंगे? लगभग 15-20 नहीं, उससे अधिक है। कितने? नहीं, कितने लोग 12-15 लड़के। इन्होंने कितने लोग हमला बोला? 12-15 लोगों ने। 6-7 थे बस, 6-7 लड़कियाँ थे और लड़के 5-6 थे बस। 10-12 लोग थे आप लोग, है ना? लड़कियों को भी मारा है? लड़कियों को भी मारा है, इन बच्चों को दौड़ा के मारा है। दोनों पे हमला किया गया है। यहाँ पर पैरामेडिकल के नर्सिंग कॉलेज के छात्रों का प्लस मेडिकल कॉलेज के छात्रों का कुछ आपस में विवाद हो गया था किसी बात को लेके। एक दो दिन पहले कुछ ईगो क्लैशेस हो गई थी, तो उनके ये लोग डीएम साहब के पास गए थे। डीएम साहब ने एक लेटर लिखा था, उसके संबंध में मैंने एक कमेटी बना दी थी। कमेटी आज बनाने के बाद मैं खुद दोनों पक्षों को बुला के समझना चाह रहा था कि ये हुआ क्यों था। इसके पहले सीएमएस साहब इनके झगड़े को सुलटा चुके थे और मामला ठीक हो चुका था। आज जब ये मिलने आए तो किसी बात पर फिर कुछ क्लैश हो गई। क्लैश हुई तो क्लैश होने के बाद एक पक्ष जो पैरामेडिकल के नर्सिंग के छात्र थे, वो अभी पूरी भीड़ बनाकर प्रिंसिपल ऑफिस में आए। उन्होंने यहाँ पर शटर वगैरह तोड़ा, तोड़फोड़ की। तो मुझे एसपीसीटी साहब को, सीओ साहब को रिक्वेस्ट करना पड़ा, वो पूरे पुलिस फोर्स के साथ यहाँ पर आए और वहाँ पर शांति स्थापित की। और बाकी अभी कमेटी बना दी गई है, अभी हम लोग हर हॉस्टल में जाएंगे सारे शिक्षक और देखेंगे कि क्या वजह थी और कैसे चीज़ों को आगे बढ़ने से रोका जाए। और जो जिन लोगों ने तोड़फोड़ की है, जिन लोगों ने कानून को तोड़ा है, तो मैं तो अभी प्रशासन उसमें इन्वॉल्व हो गया है, तो उसमें तो नियमानुसार कार्रवाई होगी ही। आप रिटर्न दे रहे हैं? हाँ, मैं रिटर्न दूंगा, बिल्कुल दूंगा। ये तो हमारी दायित्व, रिटर्न देना पड़ेगा।
सर कोई छात्रा का भी नाम आ रहा है कि छात्रा को लेकर विवाद हो रहा था लोगों के? नहीं, अभी स्पष्ट नहीं हुआ है, ये सी बातें हो रही हैं, लेकिन अभी स्पष्ट नहीं हुआ, सिद्ध नहीं हुआ है। ये जांच की कमेटी आएगी तभी सिद्ध हो पाएगा कि बेसिक कॉज क्या था। इसमें दोनों पक्षों की गलती है, दोनों पक्षों के ईगो का सवाल है। मैंने देखा दोनों पक्ष बड़ी ईगो है, जबकि मैंने दोनों पक्षों को समझा के कहा कि देखिए भाई, ये हिस्ट्री ये है कि इतने इतने लोग दंडित हो चुके हैं, पिछले एक महीने के अंदर करीब 70 लोग दंडित हुए हैं, तो देख लीजिए आप, बड़ी प्रॉब्लम होगी। और प्लस इनकी मैंने समस्याएं भी देखी कि भाई जो वाकई में समस्या है उसको सॉल्व किया जाएगा, तो किसी बात को फिलहाल आज दो जगह क्लैश हुए इनके, पुलिस चौकी में क्लैश हुए, फिर यहाँ पर क्लैश हुआ, उसके बाद फिर ये पूरा बवंडर बना के जो प्रिंसिपल ऑफिस में आए और उन्होंने मतलब क्या किया, मतलब क्या चाहते थे यहाँ पर आके, किसी से बात भी नहीं की, किसी से पूछा भी नहीं, सिंपल तोड़फोड़ चालू कर दी। ये हुआ है। यहाँ से जाने के बाद स्वस्थ जा रहे थे, एक पक्ष जो मेडिकल कॉलेज के छात्र थे जो बाहर खड़े हुए थे, मेरे पास पैरामेडिकल के छात्र आए कि सर मुझे डर लग रहा है कि मुझे मेरी मारपीट कर सकते हैं। तो मैंने मेडिकल कॉलेज के छात्र के सामने खड़े हुए हैं चार, इनको मैंने बुलाया और इनसे मैंने एश्योरेंस लिया अगर कोई बात हो तो मुझे बताओ। उनको मैंने कहा तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन छात्रों को कुछ होना नहीं चाहिए। इन्होंने मुझे एश्योर किया कि सर मैं गारंटी नहीं आएगी। उसके बावजूद भी हॉस्टल के सामने क्लैशेस हुई और क्लैशेस के बाद फिर ये रिपरकशंस हुए जो उचित नहीं है। इसके बारे में विस्तृत कमेटी करके जांच हो जाएगी। अभी तो SP साहब आ गए, जो कार्रवाई उनको करनी है, जो तोड़फोड़ हुई इसके में जो भी हिरासत में कुछ लोग लिए गए और भी हिरासत में लिए जाएंगे, उसमें कार्रवाई पुलिस करेगी, उसमें तो हम उसमें कुछ कह ही नहीं सकते। नहीं नहीं, सिक्योरिटी गार्ड के साथ मारपीट नहीं की गई है। सिक्योरिटी गार्ड जब बीच बचाव कर रहे थे, हालांकि फिर भी जो पैरामेडिकल के छात्र आए थे जिनकी संख्या 7 या 8 होगी, उसमें कोई लड़कियां भी थी, मैंने 5 मेडिकल कॉलेज के गार्ड के साथ भेजा था, तो 5 मेडिकल कॉलेज के बाहर गार्ड उनको घेर कर उनके सुरक्षित जगह ले रहे थे। तो गार्डों के हमला तो नहीं किया, बट गार्डों से वो जब उनको बीच गार्ड उनको सुरक्षा प्रदान कर रहे थे तो उनके साथ थोड़ी नोकझोंक हुई थी। पैरा मेडिकल के और मेडिकल के छात्रों के बीच में झगड़ा हो गया था। इसके बीच में जो मैनेजमेंट के लोग हैं, इन लोगों ने समझाने का पूरा प्रयास किया दोनों ही पक्ष को, लेकिन फिर भी ये लोग माने नहीं। बीच बीच में झगड़ा हुआ आज। इसके बाद पैरा मेडिकल के छात्रों ने आकर के प्रिंसिपल के कमरे के सामने तोड़फोड़ की है। हम लोगों को सूचना मिली थी, पर्याप्त फोर्स के साथ हम लोग मौके पर आ गए। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। तहरीर के आधार पर दोनों ही पक्षों के विरुद्ध FIR पंजीकृत करके कार्रवाई की जाएगी। झांसी से रवि परिहार की रिपोर्ट। मीठे रसगुल्ला के संगे चटपटा समोसा भी खाओ, पांडे जी मिष्ठान भंडार पे एक बार तो आओ। जो एक बार खाए बाको बार बार मन ललचाए, बुंदेलखंड के पांडे जी को रसगुल्ला सबके मन को भाए। पांडे मिष्ठान भंडार, बरुआ सागर बस स्टैंड।